अदाकार नन्हे का असल नाम रफ़ी खावर था और वो 1944 में साहिवाल में पैदा हुए। कैरियर का आगाज़ थिएटर से किया। 1964 में रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम के ज़रिए अपनी फनकाराना सलाहतों को इस भरपूर अंदाज में पेश किया कि शायकीन की नज़रों में आए। कमाल अहमद रिजवी साहब के पहले ड्रामा सीरियल और नौकरी करें से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसके बाद कमाल अहमद रिजवी की ही एक और ड्रामा सीरीज़ अलिफ नून से उनकी शोहरत का आगाज़ हुआ। इस सीरीज़ में उनका काम देखकर शबाब के रानवी साहब ने अपनी फिल्म वतन का सिपाही में मजाहिया और एक हद तक सानवी अदाकार का किरदार दे दिया, जिसमें उन्होंने इतनी अच्छी अदाकारी की कि जिसने फिल्म देखी वो तारीफें करने लगता। उस फिल्म में उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। 1976 में रिलीज़ होने वाली फिल्म नौकर से उन्हें पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में हीरो के किरदारों में कास्ट किया जाने लगा। फिल्म टिका पहलवान उनकी बतौर हीरो पहली फिल्म थी और फिर बतौर हीरो फिल्म दुबई चलो की कामयाबी ने उन्हें मुल्कगीर शोहरत बख्शी और फन की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नन्ना को आमतौर पर मजाहिया अदाकारी की वजह से शोहरत मिली। वो दो दिहाइयों तक फिल्मी दुनिया में बतौर मजाहिया अदाकार छाए रहे। ताहम कई मौके पर उन्होंने अपनी संजीदा अदाकारी से भी नाजरीन को मुतासर किया। नन्हा की यूं तो सब फिल्में ही मुनफरिद हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बनाई जाती थीं। नन्हा ने मजमूई तौर पर 351 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 166 फिल्में उर्दू, 221 फिल्में पंजाबी, 3 फिल्में पश्तो और 1 फिल्म सिंधी जुबान में बनाई गई थी। नन्हा की बतौर अदाकार आखिरी फिल्म हमसे न टकराना थी, जबकि उनकी आखिरी रिलीज़ होने वाली फिल्म का नाम पसूड़ी बादशाह था। नन्ना की टाइटल रोल पर मुश्तमिल फिल्म साला साहब ने लाहौर में मुसलसल 300 हफ्तों तक जेर नुमाइश रहकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। नन्ने ने अपने वक्त के मजाहिया अदाकारों रंगीला, मुनव्वर जरीफ, लहरी और अली जाज की मौजूदगी में अपने मुनफरद अंदाज को फिल्म बीनू से मनवाया। नन्ना बिलाशुबा पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में एक बहुत बड़ा और मोतबर नाम है, जिसने अपने मखसूस मजाहिया अंदाज में ऐसा मकाम पैदा किया जो फिल्म बीनू को हमेशा याद रहेगा। दो दहाई 1966 से लेकर 1986 तक वो फिल्म बेनू के दिल पर राज करते रहे और फिल्मों की ज़रूरत शुमार किए जाते रहे। उनकी हकीकी ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी में तमन्ना बेगम, एली इजाज़ और नाजली का ख़ास किरदार रहा। तमन्ना बेगम उनकी दूध शरीक बहन थी। फिल्मों में उनको नन्हे के साथ बहुत पसंद किया जाता था। इसी तरह एली इजाज़ से उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई और नाजली के बारे में क्या कहें, एक भोली भाली सूरत वाली पंजाबी मुटियार उनके साथ नन्हे की जोड़ी को शैकीन ने बहुत पसंद किया। आज भी उन दोनों की अदाकारी देखकर हकीकत का गुमान होता है, और ऐसा था भी क्योंकि नन्हा फिल्मों में नाजली से प्यार करते करते हकीकत में उसे प्यार करने लगा। वो हकीकी तौर पर नाजली के इश्क में मुबतला होकर संजीदा हो चुका था। यूं तो फिल्म बीनू ने नन्हा के साथ एली इजाज़ और रंगीला की फिल्मी जोड़ी को बेपनाह पजीराई बख्शी, जबकि फिल्मी हीरोइनों में मुमताज़, अंजुमन, मुसर्रत शहीन, रानी, दर्दाना रहमान और नाजली वगैरह को खूब पसंद किया जाता था। नन्ना की बतौर हीरो और कॉमेडियन सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी नाजली के साथ थी। ये नन्हे के अरूज का दौर था। नन्ना तो नाजली से बेपना मोहब्बत करता था, नाजली भी उसकी मोहब्बत में असीर थी, लेकिन नन्हे की मोहब्बत जुनूनी थी। नाजली की तरफ से मिलने वाली बेवफाई की चोट को बर्दाश्त न कर सका। नन्हा ने तमाम उम्र लोगों में मुस्कुराहटें बांटी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ड्राप सीन बहुत अलमनाक था। उन्होंने मोहब्बत में नाकामी के बाद खुदकशी कर ली। ये एक कॉमेडी अदाकार की ट्रेजडी मौत थी। वो 2 जून 1986 में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए और उनको इलामा इकबाल टाउन लाहौर में करीम बुला के कब्रिस्तान में दफन किया गया। दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे।